तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू न्यूज़ वीडियो। और ये होने वाली है भाई काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहली न्यूज़ निकल कर आती है जोनाथन की तरफ से, जहां पर जोनाथन ने अचीव की है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, एंड दिस इज समथिंग जो कि पूरे यूट्यूब पर पहली बार हुई है, जहां पर किसी भी प्लेयर के हैंड कैम को देखा गया है 1 करोड़ बार। एंड ये चीज को शेयर करते हुए जोनाथन ने इंस्टाग्राम पर डाली एक स्टोरी, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द लव एंड सपोर्ट यू गाइज हैव बीन गिविंग मी। टुडे वी हिट अ न्यू माइलस्टोन ऑफ 1 करोड़ व्यूज ऑन दिस वीडियो, थैंक यू। और जैसे कि आप अभी समझ गए होंगे, 2 साल पहले जोनाथन ने एक वीडियो अपलोड की थी, जोनाथन 2 थंब जायरो हैंड कैम। और गाइस 1 करोड़ व्यूज के अलावा इस वीडियो को लाइक किया है 4,64,000 लोगों ने। सो या हमारी तरफ से जोनाथन को ह्यूज कंग्रेचुलेशंस। और गाइस नेक्स्ट एक थोड़ी सीरियस न्यूज है, जो की निकल कर आती है टीम एक्सपार्क के रिलेटेड, जहां पर आज मावी भाई ने इंस्टाग्राम पर डाली थी एक स्टोरी, जो की आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। सम चुन्नू मुन्नू पिकाजूस ऑनलाइन, तुम्हारी बातें आ जाती है हम पे, हम दोनों तो अपना कर ही लेते हैं, तुम थोड़ा खुद पर ध्यान ज्यादा दिया करो, स्काउट एंड मावी क्या कर रहे हैं उन पे कम। एंड साथ ही में उन्होंने स्काउट भाई को टैग करते हुए लिखा, अब शायद थोड़ा डर के बात करेंगे आपस में। गाइस यहां पर मावी भाई ने क्लियरली तो कोई भी रीजन मेंशन नहीं किया था, बट इट साउंड्स लाइक कि उनके किसी बहुत करीबी ने उनकी बातों को या तो लीक किया है या फिर उनके बारे में कुछ भी गलत बोला है उनके पीछे। एंड उसी के नेक्स्ट स्टोरी में मावी भाई ने लिखा, ये एक दूसरे की भी नहीं। एंड इसके बाद जब स्काउट भाई अपने लोगों पर लाइव आए, तो वहां पर किसी ने उनसे पूछा कि भाई मावी भाई ने जो स्टोरी डाली थी वो किसके रिलेटेड थी एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो उस पर जो भी स्काउट भाई का रिएक्शन था वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। कौन था वो चुनू मुन्नू? अरे भाई क्या बताए भाई, आजकल के बच्चे यार क्या मतलब, क्या ही बोले भाई सामने भाई भाई करते, पीछे भड़वागिरी करते, तो मेरे को बोलने का भी मन नहीं करता यार। लेजिट अपन तो यार सबको अपने खुद के भाई समझ के बात करते यार, कि चलो नया बंदा है उसको कंफर्टेबल रखते हैं। अब ये नहीं बताना कि अभी जिनको हम भाई बनाते वही बड़वे निकलते, बट कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस वाली बात नहीं है। और गाइस जो भी हमने गेस किया है कि शायद ऐसा हुआ होगा, अगर रियली वैसा हुआ है सो दिस इज वेरी रॉन्ग। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर प्लेयर्स एंड स्पेशली वो लोग जो कि आपको सपोर्ट करके अपनी टीम में लेते हैं या फिर अपने क्लोज फ्रेंड्स बनाते हैं। और गाइस टॉकिंग अबाउट टीम एक्सपार्क, टीम एक्सपार्क के रिलेटेड एक और लीक निकल कर आई थी, जहां पर अपकमिंग ऑफिशियल टूर्नामेंट जो की होने वाला है BGMI का, एंड उससे स्लॉट मिलने वाला है PMWI क्वालिफायर्स के लिए, वहां पर हमको अल्ट्रॉन NGUC खेलते हुए दिख सकते हैं टीम एक्सपार्क के साथ में। एंड अगर ये लीक कन्फर्म होती है तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। और गाइस नेक्स्ट निकल कर आती है BGMI के एक क्रेजी स्टैट के रिलेटेड, जिसको शेयर किया लेट्स ग्रो ई-स्पोर्ट ने हमने इंस्टाग्राम पर, जहां पर BGMI टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें तो अभी तक 2022 में थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स के प्राइस पूल टोटल रह चुका है 3.3 करोड़, एंड ऑफिशियल टूर्नामेंट का रहा है 3 करोड़, जो की टोटल होता है 6.3 करोड़। और साथ ही में अगर हम बात करें कि 2021 में प्राइस पूल क्या रहा था, तो पूरे ईयर का रहा था 2.7 करोड़, एंड भाई 2022 में अभी तक रह चुका है केवल 6.3 करोड़, एंड इसके बाद बहुत सारे टूर्नामेंट्स आने वाले हैं। सो यार ये लगा मेरे को काफी इंटरेस्टिंग, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं। और गाइस नेक्स्ट एक गुड न्यूज हो सकती है, जो कि निकल कर आती है BGMI ऑफिशियल्स ई-स्पोर्ट की तरफ से, जिन्होंने आज इंस्टाग्राम पर डाली एक वीडियो, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर हमको साउंड इफेक्ट में सुनने को मिला ऑडियंस की आवाज, एंड इसके साथ में उन्होंने लिखा, लुक व्हाट्स कमिंग एन इवेंट लाइक नो अदर, हू इज रेडी फॉर इट। सो गाइस यहां से तो ऐसा लगता है कि BGMI का कोई लैन इवेंट होने वाला है, जहां पर ऑडियंस भी अलाउ होगी। और वैसे अगर ऐसा कोई एक लैन इवेंट होता है, तो आप किस टीम को सपोर्ट करने वाले हो मुझे कमेंट से बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है स्पीरो भाई की तरफ से, जिन्होंने अपने लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में बात करते हुए अपने व्यूज दिए एक ऑडियंस के कमेंट पर, जिन्होंने लिखा था कि क्या अब मावी अच्छे IGL नहीं है। तो उस पर जो भी उनका रिएक्शन था वो आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो। मावी के बाद IGL, मावी को बैड IGL बोल रहे हैं भाई, इट्स नॉट अबाउट बैड और गुड, इट्स अबाउट, लुक आई विल टेल यू वन थिंग, पास्ट में जो हुआ वो हिस्ट्री है, फ्यूचर में जो होगा वो मिस्ट्री है, अभी जो होगा वही पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर आप आज अच्छा खेल रहे हैं, जनता आपका साथ देती है। मैं एक चीज आपको अभी क्लियरली बोलना चाहूंगा, लोगों के जुबा पर तब तक आपका नाम होगा जब तक पॉइंट्स टेबल में ऊंचा आपका मुकाम होगा, और जिस दिन पॉइंट्स टेबल में आपका मुकाम नीचे चला जाता है, लोगों के जुबा पे या तो आपका नाम नहीं आता है या फिर बुरी तरह से आता है। तो बस गाइस फिलहाल अगले वीडियो में इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।